हेलो गाइस वेलकम यू टू कायरा क्लासेस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और एटॉमिक मॉडल्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एटम में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के टाइम डिस्कवर हुआ था और किसने आइडेंटिफाई किया था जे जे थॉमसन नेक्स्ट है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स जो है वो एनोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर हुए थे तो प्रोटॉन्स जो है वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर हुए थे एनोड रेज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज एनोड रेज को पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज भी कहा जाता है इसे करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? ई. गोल्डस्टीन। लास्ट है आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम जेम्स चैडविक था तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता इसका मतलब ये न्यूट्रल होता है ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल्स तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी सो so, फर्स्ट है हमारा एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटम्स एग्जिस्टेड तो ये पहला रिकॉर्डेड एविडेंस या प्रूफ था जिसमें ये था कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं Using his theory Dalton rationalized the various laws of chemical combination. इस थ्योरी को यूज करके डाल्टन ने काफी जो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको रैशनलाइज किया था. Dalton's theory was based on the premise that the atoms of different elements could be distinguished by differences in their weights. तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो किस पे बेस थी वो इस बात पे बेस्ड थी कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उन्हें हम डिस्टिंग्विश या फिर यू नो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके वेट्स में डिफरेंसेस जानकर तो जो डाल्टन थ्योरी थी वो इस प्रेमाइस पे बेस थी कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन्हें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ठीक है कैसे उनके वेट्स में वेट्स के जो डिफरेंसेस हैं उसे पता लगाकर लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी तो क्या क्या लिमिटेशन थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तो फर्स्ट थी द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वॉज प्रूव्ड रॉन्ग तो जो एटम है वो इनडिविजल है उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो गलत प्रूव हुआ फॉर एन एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड या सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो एटम जो है वो आप इनडिविजिबल कह रहे हो तो ये चीज गलत थी एटम जो है वो से सब डिवाइडेड या फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में सेकेंड था इन ऑल रिस्पेक्ट बट आइसोटो ऑफ सेम एलिमेंट है सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, वो सिमिलर होंगे सारे के सारे रिस्पेक्ट्स में लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका डिफरेंट मास होगा। isotopes क्या होते है? होते हैं? हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है वो डिफरेंट है उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप्स तो सेम एलिमेंट के एटम्स तो सिमिलर हैं हर रिस्पेक्ट में लेकिन जो आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के वो क्या है उनका मास डिफरेंट है जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उनको हम डिस्टिंग कर सकते हैं एक दूसरे से कैसे बाय डिफरेंसेस इन देयर वेट्स अगर हमें उनके वेट्स में डिफरेंसेज पता चल जाता है तो उसकी मदद से हम उन एटम्स को जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेकेंड है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम तो थॉमसन uh, ने मॉडल uh, दिया था एटम का जिसमें उसने बताया था कि थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग तो थॉमसन ने ये बताया था कि जो मॉडल है एटम का वो किस तरह से है वो बिल्कुल सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के द इलेक्ट्रॉन्स इन अर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाइक करंट्स ड्राई फ्रूट स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो स्पेरिकल होता है तो ऐसे ही आप एटम का स्ट्रक्चर समझो तो जो स्फेयर है वो तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन जो करंट्स हैं या फिर जिन्हें मैं कह सकती हूँ रेजन जो किशमिश है या जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो स्प्रेड है उसके ऊपर तो उसे मैं क्या कह रही हूं इलेक्ट्रॉन्स सो so, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में है पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर में प्रेजेंट है वो किस तरह के लग रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट्स के तौर पे लग रहे हैं या फिर मैं कह सकती हूँ रेजन के तौर पे लग रहे हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स है एक स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग में वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन उसने एक और बात बताई थी कि क्रिसमस पुडिंग के साथ साथ हम वॉटरमेलन को भी सोच सकते हैं सो वॉटर मैलन में जैसे आपने देखा है रेड पोर्शन होता है जो एडेबल पार्ट है जैसे आप खाते हो और जो ब्लैक जो होती है वो उसकी सीड्स होती हैं सो so, जो रेड पार्ट है वो है प्रोटॉन का पार्ट मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो वो ब्लैक जो सीड्स हैं वो है क्या इलेक्ट्रॉन्स सो द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडेबल पार्ट ऑफ दॉटर मैलन तो वो जो रेड पार्ट है जो पूरी उसमें फैला हुआ है ठीक है तो एटम uh, में जो पूरा फैला हुआ है वो है आपका रेड एडेबल पार्ट जो कि प्रोटॉन है और वाइल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टर्डेड इन द पॉजिटिवली पॉजिटिवलीफेर और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे बीज जो है वो स्टर्डेड होते हैं इंबेडेड होते हैं वाटर मेलन में तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टर्डेड या इम्बेडेड है किसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर या जो रेड एडेबल पार्ट है वो वॉटरमेलन में तो उसमें सीड्स जो है वो इम्बेडेड है ना तो उन्ही इम्बेडेड सीड्स को हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स थॉम्सन प्रपोज दैट फर्स्ट एंड ऐटम कंजिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन एट तो थॉम्सन ने जो है वो प्रपोज क्या किया था ये किया था इस मॉडल को यू नो कंसिडर करके जो एटम होता है वो क्या कंजिस्ट करता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर कंजिस्ट करता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो जितना नेगेटिव चार्जेस होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर है वो पॉजिटिव चार्जेस के बराबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है तो जो मैग्नेट्यूड है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का वो क्या है बराबर तो बराबर होने की वजह से जो एटम है वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसमें कोई साइन नहीं रहेगा जैसे कि अगर मैं के तौर बताऊं कि सपोज फाइव इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव प्रेजेंट में और फाइव प्रोटोन्स uh, या पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं एटम में तो फाइव uh, पॉजिटिव और फाइव नेगेटिव वो आपस में क्या हो जाएंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे और जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा इसलिए जो एटम है वो पूरे तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिमिटेशन देख लेते हैं इसका तो मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एन एटम सो क्लोज टू ईच अदर अब यहां पे जो ये थॉमसन मॉडल था ये फेल हो गया था क्योंकि ये ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में अरेंज होते हैं मतलब एक दूसरे के इतने करीब कैसे वो अरेंज होते हैं आटम में तो थॉमसन मॉडल जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था थर्ड जो मॉडल है वो है यूगिन गोल्डस्टीन मॉडल ऑफ एन एटम तो यूगिन गोल्डस्टीन ने भी क्या दिया था मॉडल दिया था एटम का गोल्ड स्टीन इन एटीन एटी सिक्स डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडियश इनचार्ज एंड कॉल कैनाल रेज गोल्ड स्टीन ने एटीन एटी सिक्स में क्या डिस्कवर किया था नए रेडिएशंस के प्रेजेंस को डिस्कवर किया था एक गैस डिस्चार्ज में जिनका नाम था कैनाल रेज दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडियशंस अब ये जो रेडिएशंस थे ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे जिन्होंने बाद में जाके एक दूसरे सब अटोमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में हेल्प किया था ही यूज ट्यूब टू स्टडी कैनाल रेज विच हैड इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये इस युगिन गोल्डस्टीन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट Uh, को यूज़ किया था जिससे वो कैनाल रेस को स्टडी कर सके जो कि इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से अपोजिट थी तो जो कैनाल रेस हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्योंकि कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन से तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी कैनाल रेस की इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट थी मैंने आपको बताया था कि ये हेल्प कर रहा था डिस्कवरी में एक दूसरे सबेटोमिक पार्टिकल की और उस दूसरे सबेटॉमिक पार्टिकल का क्या नाम था प्रोटोन तो इसी कैनाल रेज को जिनका पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे उन्हीं को हम क्या कहते थे प्रोटॉन्स कहते थे सो so, आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू